हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप यूपीआई ऐप के थ्रू आपका ऑनलाइन डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यूपीआई ऐप यूज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। वहां जाके सर्च करिए यूपीआई, तो आपको बहुत सारी बैंकों का यूपीआई ऐप मिलेगा। आई हैव अकाउंट इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सो आई विल गो फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई ऐप। ऐसे मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर दबाए और एक्सेप्ट कीजिए, तो ये ऐप डाउनलोड होगा। तो ये ऐप इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपीआई का ऐप डाउनलोड हो चुका है। तो हम एक ऐप के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है क्लिक हियर टू वैलिडेट योर मोबाइल नंबर बाय सेंडिंग एसएमएस, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो फिर एक एसएमएस आपके आईडी से यूपीआई के ऐप पर जाएगा, और यहाँ पर दिखा रहा है जीपीएस इज नॉट एनेबल, डू यू वांट टू गो टू सेटिंग्स मेनू, तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू पर जाइए और आपका जीपीएस ऑन कीजिए। तो यहाँ पर आपका लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, ऐसे जैसे हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम आपका प्रीवियस पासवर्ड देते हैं। तो यहाँ जाके आप ऐड बैंक पर जाके आपको अपना खुद का बैंक का चूज करना होगा, जैसे कि मेरा यूनियन बैंक में है, तो यहाँ पर हम यूनियन बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका जो बैंक है उस बैंक का अकाउंट नंबर शो करेगा, सिलेक्ट करेंगे तो सबमिट कीजिए इसको। ऐसे मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए दिखा रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आपके लिए ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो आपको रजिस्टर करना होगा इसका। तो आप बैक कीजिए, यहाँ पर आके आपको एक वर्चुअल एड्रेस बनाना होगा, ठीक है। मेरे यहाँ दो अकाउंट रजिस्टर कर चुके हैं, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप दे सकते हैं सिंगल यूज या मल्टीपल यूज। जो सिंगल यूज वाला होगा उसमें आप एक बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और जो मल्टीपल यूज वाला होगा उसमें आप बहुत बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल यूज पर ही सिलेक्ट करते हैं और एक अमाउंट बाउंड लिमिट देते हैं। आप टाइम बाउंड लिमिट भी दे सकते हैं, मगर मैं आपको बोलूंगा कि अमाउंट बाउंड लिमिट दीजिए, उससे आपका काम थोड़ा आसान होगा। और यहां पर आपको एक वर्चुअल आईडी का नाम देना होगा, जैसे मैं देता हूं मेरा नाम से SM1993। सबमिट करते हैं, तो मेरा वर्चुअल एड्रेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इस वर्चुअल एड्रेस को यूज करके आप किसी भी आईडी पे यहां पर जाके अकाउंट नंबर सिलेक्ट करके वर्चुअल आईडी देके आप पैसे सेंड कर सकते हैं या किसी भी से पैसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये फुल्ली सेफ है, इसमें आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स किसी को नहीं पता चलेगा। सो आपको कोई कैश ओरिएंटेड अगर प्रॉब्लम हो तो ये ऐप आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यूनियन बैंक के तौर पर छोड़कर भी बहुत सारे बैंकों का यूपीआई का ऐप है, वो भी आप यूज करते हैं, जैसे सिंडिकेट बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सबका इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, मगर टोटल वर्किंग प्रोसीड्योर इज ऑलमोस्ट सेम।
ओके दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट मी। मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।